हेलो बच्चों, क्लास 11 बायो चैप्टर फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स डिस्कशन कर रहे थे। हम एक फीचर्स ग्रोथ के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ग्रोथ आर नॉट डिफाइनिंग फीचर्स था, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जो ग्रोथ का फीचर है वो ऐसा नहीं है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो पाया ही जाता है, लेकिन ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। उस रिलेटेड आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप लोगों को आई कार्ड पे भी मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकंड फीचर्स है रिप्रोडक्शन। सेकंड फीचर्स कौन सा है? रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वन जो फीचर्स हमें डिस्कशन करने हैं, ग्रोथ को हम डिस्कशन कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन डिस्कशन करेंगे, मेटाबॉलिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, कंसियसनेस, ये फीचर्स हैं जिनको हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिस्कशन करना है। तो आज अभी हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन। जनरली रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोग जानते हैं, किसी भी जनरेशन को बनाए रखने के लिए, किसी भी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो स्पीसीज इस धरती से गायब हो सकती है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या रहता है? अपने समान कोई भी अन्य संतति, प्रोजेनी उत्पन्न करना। प्रोजेनी का मतलब होता है चाइल्ड, बेबी, प्रोजेनी, यंग वंश, इनका सेम ही मीनिंग होता है। रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों के अंदर हम देखेंगे। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सिंपल टाइप्स का रिप्रोडक्शन सिस्टम पाया जाता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। रिप्रोडक्शन जनरली टू टाइप्स का रहता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज्यादा डिटेल से हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ यह देख लेंगे कि एक्चुअली में रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स एक प्रोजेनी का प्रोडक्शन। इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पजेसिंग ऑफ फीचर्स मोर या लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट। यानी ये जो रिप्रोडक्शन है इसमें क्या है, प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है और जिसके फीचर्स किसके सिमिलर है, उसके पेरेंट्स के। इट मीन्स ये किसका टाइप हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अपने समान प्रोजेनी उत्पन्न हो रही है, उस प्रोजेनी की जो फीचर्स है उसके पेरेंट्स के सिमिलर है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू इंडिविजुअल या ऑर्गेनिक इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिंगल ऑर्गेनिक प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर देता है। तो सिंपल रिप्रोडक्शन यानी जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म मिलकर के प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं, इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सभी हायर एनिमल्स और प्लांट में पाया जाता है। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल सभी जितने भी हायर प्लांट्स है, एनिमल्स है, यहां तक ह्यूमन बींग्स, ये सभी मोस्टली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एग्जाम्पल है वो लोअर प्लांट एंड एनिमल्स, लोअर जो प्लांट और एनिमल है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल अकेला ऑर्गेनिक इन्वॉल्वमेंट रहता है और ये नई प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है, फंगी है? इनके अंदर असेक्सुअल स्पोर्ट्स पाए जाते हैं मिलियंस की संख्या में, जिससे बहुत अधिक संख्या में ये स्पोर्ट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, फंगी प्रोड्यूस करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टैक्स इन फंगी के अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स पाए जाते हैं। दूसरा है बडिंग। बडिंग की जो प्रोसेस है, ईस्ट एंड हाइड्रा, ईस्ट एक फंगी है ना, स्पेशली फंगियों के अंदर असेक्सुअल स्पोर्ट्स तो मोस्टली के अंदर मिलते ही है। ईस्ट भी एक प्रकार का फंगी है, हाइड्रा ये एनिमल्स है,
जिसके अंदर बड़े असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। यीस्ट की संरचना देख लीजिएगा आप, ये यीस्ट है, यीस्ट है ये, और इसके अंदर ये बड मतलब एक्स्ट्रा आउटर बॉडी स्ट्रक्चर पाई जाती है जो इससे सेपरेट हो जाती है और अलग से फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती है। इसी प्रकार से हाइड्रा के अंदर, ये हाइड्रा है, इसमें भी एक्स्ट्रा एक बड का निर्माण हो जाता है और ये बड स्लोली स्लोली ग्रोथ करके सेपरेट हो जाती है और न्यू हाइड्रा का निर्माण कर लेती है। तो ईस्ट और हाइड्रा के अंदर स्पेशल टाइप्स का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बडिंग कहलाता है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है सिंपली उसके टुकड़े ब्रेकडाउन होना। ये प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया का मैं चित्र बना देता हूं, जो कि प्लेटी हेलमंटीज, प्लेटी हेलमंटीज का ये प्राणी है, ये प्लेनेरिया। इसके अंदर क्या है, सपोज इसके तीन टुकड़े कर दिए मैंने, तो ये तीनों टुकड़े अपने अपने ऑर्गन्स का निर्माण कर लेते हैं। ये तीनों कटे हुए टुकड़े अपने आप में एक नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है प्लेनेरिया के अंदर। फंगी फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनेमा मॉसेस, इनके अंदर भी फ्रेगमेंटेशन के जरिए यानी इसके बॉडी का कोई भी पार्ट जब सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, तो वो नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। यूनिसेलुलर के अंदर, यूनिसेलुलर के अंदर सिंपल टाइप्स का रिप्रोडक्शन है, जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा के एग्जांपल होते हैं। इसमें क्या होता है कि सिंपल ये जो सेल होती है, ये सेल है, ये डिवाइड होकर के टू सेल्स बना लेती है, फिर ये अगेन डिवाइड होकर के, यानी इसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ सेल। तो हम यू कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर के अंदर रिप्रोडक्शन इसका सिनोनिम्स है विद ग्रोथ का। ग्रोथ में भी हमने पढ़ा था कि टू टाइप्स के, मास, मास का इंक्रीज होना और नंबर का इंक्रीज होना भी क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। तो इसी प्रकार से रिप्रोडक्शन में सेल यहां पर नंबर हो रही है, तो ये ग्रोथ का भी एग्जाम्पल है और रिप्रोडक्शन का भी, क्योंकि यूनिसेलुलर के अंदर वन सेल के अंदर ऑल एक्टिविटीज कंप्लीट होती है। तो रिप्रोडक्शन एक यूनिक फीचर्स है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। जैसे आप लोगों ने एक म्यूल का नाम सुना होगा, बर्गर, बर्गर जो बी रहती है, इनके अंदर और इनफर्टाइल, इनफर्टाइल कपल भी रहते हैं, ऐसे बहुत सारे इनफर्टाइल कपल। म्यूल ये रिप्रोडक्शन नहीं करता है, म्यूल्स इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। जो वर्कर बी रहती है, मधुमक्खी रहती है बी, इनके अंदर भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इनफर्टाइल कपल्स वुमन के अंदर बहुत सारे आप लोगों ने अपने अड़ोस पड़ोस या परिवार जन या अपने मोहल्ले में ऐसे लोगों को देखा होगा, ऐसे कपल्स को देखा होगा जिनके अंदर प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इट मीन्स क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऐसा नहीं है, इट इज, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो रिप्रोडक्शन है ये एक ऐसा फीचर्स नहीं है जो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। तो इट इज नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, ग्रोथ की तरह, ग्रोथ की तरह लाइक ए ग्रोथ रिप्रोडक्शन भी एक नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग्स के अंदर नहीं पाया जाता है, बट ये ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिज्म के अंदर भी नहीं पाया जाता है, जिसके एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताए थे, म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल कपल। म्यूल का मतलब आप लोग समझ रहे हो, ये रिप्रोडक्शन बिटवीन डंकी एंड हॉर्स है ना, ये म्यूल जिसको आसानी से आप खच्चर के नाम से जानते हैं, इसको डंकी जैसा रहता है, तो ये इनफर्टाइल रहता है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है, यानी
ये रिप्रोडक्शन है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर्स है, फीचर्स है बट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिले ऐसा कुछ नहीं है, है ना। जिसके एग्जांपल आप लोगों के सामने है म्यूल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल कपल्स, बट नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट जो फीचर्स है जो हम डिस्कशन करेंगे वो है मेटाबॉलिज्म, जो कि सभी का यूनिक फीचर्स है, ऑल लिविंग थिंग्स का, ऑल लिविंग थिंग्स का यूनिक फीचर्स है मेटाबॉलिज्म। अनदर फीचर मेटाबॉलिज्म, थर्ड नंबर का फीचर्स है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो किसी न किसी केमिकल से बने रहते और उसके अंदर केमिकल्स का ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन लगातार चलता रहता है, यानी केमिकल्स बनते रहते हैं एंड ब्रेकडाउन यानी टूटते रहते हैं, और ये सभी क्रियाएं मेटाबॉलिज्म कहलाती है। बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, ये सभी एग्जांपल्स मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के हैं। तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन यानी सभी हमारे ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स के बने रहते हैं, केमिकल्स के अगर बने रहते हैं तो इसका मतलब केमिकल बनेंगे भी और टूटेंगे, केमिकल बनेंगे इसका मतलब नए बायोमॉलिक्यूल्स बन रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड्स, ये बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है और ये ब्रेकडाउन भी होता है, दोनों अपोजिट रिएक्शंस होती है, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन दोनों में आगे जब पढ़ेंगे जब देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर तो CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स मिलकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि रेस्पायरेशन के अंदर जस्ट अपोजिट रिएक्शन होती है। और प्लांट्स एंड एनिमल्स, फंगी, माइक्रोब एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म, यानी इसका कोई अपवाद नहीं है, अगर अर्थ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, नो एक्सेप्शन। अभी तक हमने पढ़े थे उनके अपवाद भी हो सकते थे लेकिन इसका आज तक कोई अपवाद नहीं है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है इट इज डिफाइनिंग फीचर्स, इसको हम डिफाइनिंग फीचर्स कहेंगे, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगी। तो द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, यानी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती है। जनरली ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है इनको हम टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन। दोनों अपोजिट, दोनों का अपोजिट मीनिंग है दोनों शब्दों का, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक रिलेटेड टू सिंथेसिस एंड कैटाबॉलिक रिलेटेड टू ब्रेकडाउन, कोई अगर फॉर्मेशन हो रहा है किसी सब्सटेंस का इट मींस वो एनाबॉलिक रिएक्शन है, इसको एनाबॉलिक भी कह सकते हैं ना, एनाबॉलिक, और इसी प्रकार से इसको कैटाबॉलिक भी कह सकते हैं, कैटाबॉलिक। दोनों का मतलब अपोजिट फीचर्स है, अगर कोई रिएक्शंस में जैसे फोटोसिंथेसिस है CO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या बना रहे हैं, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इट इज एनाबॉलिक रिएक्शन। दैट इसके अपोजिट यही रेस्पायरेशन के अंदर इसी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इट इज कैटाबॉलिक। मैंने इसी इंटरनेशनल लगा दिया तो ये क्या हो गई, कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के अंदर टू टाइप्स की होती है, पहले बताया था, यानी कुछ के अंदर सब्सटेंस बनते हैं कुछ के अंदर ब्रेकडाउन होते हैं टूटते हैं, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में ब्रेकडाउन होता है, एनाबॉलिक के अंदर सिंथेसिस होता है, और ये रिएक्शन बॉडी के अंदर कंटिन्यूअस चलती रहती है जिससे बॉडी का स्टेटस बना रहता है, बैलेंस बना रहता है।
ये मैंने बता दिया कि जो मेटाबॉलिज्म है वो नॉन लिविंग्स के अंदर नहीं पाया जाता है, नो नॉन लिविंग्स। मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट नहीं होता है किसके अंदर? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। और चूंकि इसका कोई अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए इट इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर। ये कैसा है? डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर है यू आर ई एस। तो ये मेटाबॉलिक में, हालांकि ऐसा नहीं है हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को आउट ऑफ द बॉडी भी टेस्ट टू बेबी के अंदर इसको संपन्न करा सकते हैं। मार्केट के अंदर आप लोग देखते हो बहुत सारे इलेक्ट्रिक पाउडर, ग्लूकोज वगैरह पाउडर, एनर्जी एनर्जी ड्रिंक के नाम से बहुत सारे ऐसे पाउडर्स आते हैं ग्लूकोज के, जिनको हम यूज में लेते हैं। तो इसका मतलब क्या वो बॉडी के अंदर ही बने हैं? नहीं, वो आउट ऑफ द बॉडी लेबोरेटरीज के अंदर भी बनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, लेकिन इसको हम नॉन लिविंग्स के अंदर संपन्न नहीं करवा सकते हैं। जो हमारी केमिकल रिएक्शंस है बॉडी के इंटरनल इंट्रैक्शन के कारण रहती है। तो मार्केट के अंदर जितने भी आते हैं वो ना तो लिविंग्स रिएक्शन कहलाती है ना नॉन लिविंग्स रिएक्शन कहलाती है। तो मेटाबॉलिज्म के बारे में हम कह सकते हैं एक बार अगेन रिपीट कि ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फीचर्स पाया जाता है, जिसके अंदर सब्सटेंस फॉर्म होते हैं एंड ब्रेकडाउन भी होता है। इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यानी इट इज डिफाइनिंग फीचर्स, इट इज डिफाइनिंग फीचर्स, और यह नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाया जाता है। दैट इज मेटाबॉलिक फीचर्स, इट इज डिफाइनिंग फीचर्स। नेक्स्ट फीचर्स है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी सभी प्रकार के जीव सेल्स के बने पाए जाते हैं। एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी यूनिट होती है सेल, और सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी जो सेल है वो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट सेल कहलाती है। सेल के बारे में डिटेल से चर्चा हम आगे के चैप्टरों में करेंगे। पूरा आपका एक चैप्टर है सेल के बारे में, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यानी इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ या ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में लाइफ की बेसिक यूनिट होती है जो कि ऑल लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है, यानी इसको बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं। जैसे किसी मकान को या किसी घर को बनाने के लिए हमें एक ईंट की जरूरत होती है, ब्लॉक्स की जरूरत होती है, उसी प्रकार से किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल की आवश्यकता होगी, क्योंकि सेल्स मिलकर के सेल्स भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, यानी ये बर्थ भी यही करती है और संरचना का निर्माण भी यही करती है। सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक बॉडी का निर्माण करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल, यानी सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो रहा है। ज्यादा डिटेल से चर्चा हम सेल के बारे में यहां नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल से हमारे लिए हम तो यहां पर सिर्फ ये फीचर्स पढ़ रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म सभी जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके उनका जो संगठन है, उनका बॉडी का जो निर्माण है वो एक सेल से होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने रहते हैं, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलियंस या बिलियंस नंबर में सेल्स पाई जाती है। तो ये फीचर्स थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये भी एक कैसा फीचर्स है, डिफाइनिंग फीचर्स है, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। वीडियो देखने के लिए सभी के धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे नया वीडियो बनते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।